हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल वेडनेसडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी अपन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और आज एक हमें पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थी, गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी रेंज बनाते हुए देखने को मिली थी, और लगभग हमें पूरे दिन सिर्फ इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के रेंज में ही ट्रेड होते देखने को मिला, और एक हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिली थी। जो भी ये ट्रेंड लाइन मार्क किया होगा उसे एक अच्छा मोमेंटम सेकंड हाफ में अराउंड 2:15 के आसपास देखने को मिला, और जैसे इसका ब्रेकआउट एक बहुत अच्छी हमें बुलिश कैंडल से देखने को मिला है, और वहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपन को एक वन वे मोमेंटम अराउंड 80 पॉइंट्स का देखने को मिला है। तो अगर कोई भी ऐसी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेंड लाइन वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो एक अपन को मोमेंटम आज के दिन सिर्फ ट्यूसडे को देखने को मिला है, जो कि इस ट्रेंड लाइन की मदद से अपन कैप्चर कर सकते थे। और अगर इसके अलावा देखें 2 से पहले तक हमें सिर्फ साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके ही देखने को मिला है, और लास्ट में हमें क्लोजिंग अराउंड देखने को मिली है 90,900 के लेवल के आसपास की। तो ये था निफ्टी का ट्यूसडे के दिन का मोमेंटम के एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए वन डे के टाइम फ्रेम में, और अपन डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ वीडियो में कि ये एक इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए देखने को मिला है, जो कि है 19,875 का लेवल, और इसके ऊपर एक अपन को क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिल रही है। तो अब जो अपन को इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहले 20,050 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग करेगा डेली टाइम फ्रेम में तो सीधे अपन को ऑल टाइम हाई टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 20,222 का लेवल। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड के एनालिसिस। डाउन साइड की अगर बात करें तो जब तक इस लेवल के नीचे हमें ट्रेड होते देखने को नहीं मिलेगा, जो कि है 19,700 के लेवल, तो हम इसी के नीचे एक थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग के बाद, और जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 19,570 का लेवल। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस निफ्टी का, कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा का मोमेंटम और कहां तक का टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे कल वेडनेसडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि ये 19,916 का लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को ऊपर का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिनों बाद ट्रेड होते देखने को मिलेगा निफ्टी। तो दोस्तों, जो अपन को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 19,970 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 20,050 का देखने को मिल सकता है, जिसे अपन 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक अपन को गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 20,115 का, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट रहेगा ये लेवल, जो कि है 20,175 का, और अपना फाइनल टारगेट लेवल रहेगा ये वाला स्विंग हाई लेवल, जो कि है 20,222, जो कि अपन को ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। तो ये थे निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल अगर 19,916 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला स्विंग लो लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि है अराउंड 90,768 का लेवल, तो इसके नीचे का हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये लेवल, जो कि है 90,731 का लेवल, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 90,700 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो जो अगला सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेगा निफ्टी में वो रहेगा ये लेवल, जो कि अराउंड 90,665 का लेवल। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 90,768 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है निफ्टी तो। अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और एक्सपायरी के एक दिन पहले अपन को साइडवेज मोमेंटम में प्रीमियम डिके भी बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि अराउंड 90,916 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 90,768 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेंड लाइन अपन को डाउन साइड में यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है, अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे अगर एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि इस ट्रेंड लाइन पे हमें 2-3 बार सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है निफ्टी। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करें, साथ साथ इस लेवल को भी ब्रेकडाउन करें, जो कि 19,770 का लेवल, तो एक हमें डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं।
तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।